नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में। जो पवन खेड़ा है उनकी गिरफ्तारी के बीच में एक नाम जो है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया है, वो है गौतम दास। यानी कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर जो चुटकी भरने की कोशिश की, गौतम दास उनका असली नाम जो है क्या है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये है वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ और उनके साथ उनके पिता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है ये दामोदर मूलचंद मोदी जो कि असली नाम है, और नरेंद्र मोदी जो हैं अपने पिता का ही जो शुरुआती नाम है दामोदर दास, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर पवन खेड़ा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और काफ़ी बखेड़ा जो है वो शुरू हुआ। आपको बता दें कि जब पवन खेड़ा ने ये बयान दिया था तो बयान देने के बाद ही शायद उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके मुँह से कुछ गलत निकल गया है, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया, इस बयान के आने के बाद खबरें जो आईं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा गया कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस बयान से काफ़ी आहत हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। उनकी इस नाराज़गी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुलकर इस मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ बयान जो हैं वो निकलकर सामने आए। खासतौर पर आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा सरमा, उनका बयान आया। बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता जो हैं माने जाते हैं अमित शाह, जो कि गृहमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं गुजरात के दिनों से ही, उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए एक बयान दिया। और इसके अलावा जो है अलग अलग हलकों से बयान सामने आए, लेकिन सबसे पहले आप अमित शाह का वो बयान सुनिए जो कंटेक्स्ट तो है उद्धव ठाकरे को लेकर। ये बयान बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर या किसी भी तरीके के कटाक्ष को लेकर बीजेपी किस तरीके से देखती है। पहले आप ये बयान सुनिए। तो जो लोग धोखा देते हैं ना उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। तो इस बयान में अमित शाह जो हैं वो धोखेबाजों की बात कर रहे हैं कि धोखेबाजों को बख्शना नहीं चाहिए। हालांकि उनके निशाने पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे थे, लेकिन ये तेवर बताते हैं कि बख्शना या ना बख्शना जो है उसको बीजेपी किस तरीके से लेती है, और शायद इसीलिए अब पवन खेड़ा को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन अमित शाह ने पवन खेड़ा को लेकर क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। अमित शाह ने तब कहा था कि जनता कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का जवाब बैलेट बॉक्स से देगी। कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में दूरबीन से सर्च करने पर भी दिखाई नहीं देगी, अमित शाह का बयान था। जबकि हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि देश कभी भी कांग्रेसियों को इस तरह की टिप्पणियों के लिए माफ नहीं करेगा। तो ये इस तरह के जो बयान बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आया, तो शायद इसके बाद में कांग्रेस पार्टी को या कहें खासतौर पर पवन खेड़ा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि उनके मुँह से जो बात निकली है वो गलत हो गया है। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी, आगे आपको पवन खेड़ा का वो वीडियो भी सुनवाएंगे जिसकी वजह से उन्हें जेल जाने तक की नौबत पहुंच गई उनकी। तो सबसे पहले आपको बता दें पवन खेड़ा ने तब क्या सफाई देते हुए कहा था इस वीडियो को लेकर। जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक के HMV साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारी ऐसे संस्कार हैं। तो ये सफाई थी पवन खेड़ा की। लेकिन सबसे पहले आप उनका वो वीडियो देखिए जिसकी वजह से ये बखेड़ा खड़ा हुआ। कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं JPC की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी JPC बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी JPC बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. तो सुना आपने ये वीडियो, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन खेड़ा की सफाई के क्या मायने हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो वो कह रहे हैं वो उनके मुंह से गलती से निकला हो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है। उनके चेहरे की स्माइल बताती है कि ये जो गूफ अप था ये प्री प्लान था, ये जानबूझकर शायद की गई गलती थी। और उनकी इस बात को जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनकी इस बात को इस बात से भी बल मिलता है क्योंकि सोशल मीडिया पे ही कांग्रेस के एक और नेता हैं या कार्यकर्ता कह लीजिए BV श्रीनिवास, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कांग्रेस पार्टी का जो कोर हिस्सा जो है उसके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने इस नाम को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के पिता के नाम को लेकर बाकायदा कटाक्ष करते हुए ट्वीट भी किया था। यानी कि कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में इस शब्द को लेकर, गौतम दास शब्द को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल था और मन ही मन ये मान के चल रहे थे कि साहब ने
करारा जवाब जो है बीजेपी को दिया, लेकिन अब ये करारा जवाब जो है पवन खेड़ा को ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी की गई है, हालांकि पवन खेड़ा जो है तब जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर यह कटाक्ष किया था तब उन्होंने जेपीसी की मांग करते हुए कहा था कि जब जेपीसी की जो है अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे तमाम नेता जो है जेपीसी के समर्थन में जा सकते हैं, जेपीसी जाँच करा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करा सकते। लेकिन इसी सिलसिले में जब रायपुर के लिए पवन खेड़ा रवाना हो रहे थे, इंडिगो के फ्लाइट में बैठे हुए थे, तब उन्हें फ्लाइट से उतार लिया जाता है, दिल्ली पुलिस की तरफ से उतारा जाता है। हालांकि शुरुआत में कहा जाता है कि उनके सामान की चेकिंग के लिए उन्हें फ्लाइट से उतारा गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे खबर आगे बढ़ती है चीज़ें साफ हो जाती हैं कि दरअसल उनकी जो गिरफ्तारी हुई है या उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो आसाम पुलिस की तरफ से की गई। और आसाम में ही एक जगह है हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आसाम पुलिस के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो कुल मिलाकर क्या कहा था उन्होंने और वो कौन सा वीडियो था जिसने पवन खेड़ा की मुश्किलें जो है इस तरीके से बढ़ा दी हैं वो आपने देखा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरीके की राजनीति जो है वो नई बात नहीं, इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, हालांकि तब प्रधानमंत्री मोदी ने या कहें तब बीजेपी ने इसको इस स्तर तक न ले जाकर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की थी। लेकिन इस मामले में अब पवन खेड़ा जो है वो मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं और बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे ये मांग की थी कि बनारस, लखनऊ और असम में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उन पर संज्ञान लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जो भी आगे डेवलपमेंट होगी इस खबर पर आपको बताएंगे। इस बीच आपने वो वीडियो जरूर देखा है, आपको क्या लगता है कि क्या पवन खेड़ा ने जानबूझकर पीएम मोदी के पिता का अपमान किया, क्या पवन खेड़ा से गलती हुई और क्या बीजेपी या कहें सरकार जो है चाहे वो असम की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार हो, सरकार इस मामले को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दे रही है क्या, या फिर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मौका दे दिया है उन्हें लपेटने का। आपकी इस पर जो भी राय हो नीचे कर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।